आज मैं दिखाने वाला हूँ ऐसा प्रोडक्ट जो कि किसी भी बाइक के साथ लग सकता है। ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट है और बिल्ड क्वालिटी है इसकी ऑसम। ये देखो मेरे हाथ में क्या है, रेड कलर की लाइट। इसको इंडिकेटर बोल सकते हैं या फिर इसको साइड लाइट्स बोल सकते हैं, लेकिन ये रेड कलर की हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी बाइक्स में डुअल टेल लाइट लगाएं। इसके साथ ये दो पत्तियां मिलती हैं, ये दो असेंबली मिलती हैं, इनकी भी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, आयरन की ये बनी हुई हैं और इतनी थिकनेस है कि आसानी से ये मुड़ नहीं सकती। और अगर इसको ध्यान से देखें तो ये मेटल का है बाहर से सारा, इसमें एक जाली लगी है। अगर खोल के दिखाता हूँ अंदर से तो ऐसे ही ट्विस्ट करके ये खुल जाता है, जैसे हम अपने और बॉटल्स के या जार के ढक्कन खोलते हैं। सारा मेटल का ये एक जाली है बाहर, ये भी मेटल की है, केसिंग मेटल की है, ये जो है फाइबर है मतलब एक्रेलिक टाइप्स। और इसके अंदर आपको मिलेगा ये वाला बल्ब, तो ये वाला बल्ब भी नॉर्मल वाला बल्ब नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी का एलईडी बल्ब है, ये आप देख सकते हैं। बस इसको ऐसे करके यहाँ लगा रखा है और कोई ज़्यादा बड़ी इसमें साइंस नहीं दिखती है, बस रेड कलर का शीशा लगाओ और ऐसे करके इसको बंद कर लो। इस चीज़ में ये फ़ायदा है कि अगर इन केस कभी इन फ्यूचर 1-1.5 साल बाद आपका अगर बल्ब ख़राब हो जाता है तो आप अपना बल्ब रिप्लेस कर सकते हैं और इसको ऐसे करके बंद कर सकते हैं। ऐसी क्वालिटी की चीज़ों के लिए मैं इन चीज़ों को देता हूँ एक बड़ा थम्स अप। ये इसको लगाने के लिए कोई बहुत बड़ी साइज़ की बात नहीं होती है, बस आप अपनी टेन लाइट की असेंबली खोलिए और जो अंदर सॉकेट लगा है उसी में ही आपको कनेक्शन करने हैं। तारे मत काटना क्योंकि तारे काटना अच्छी चीज़ नहीं होती है, तो सॉकेट से ही आपको कनेक्शन लेने हैं। ये जो बंदा अभी ये सॉकेट खोलेगा इसके अंदर एक तार फंसाएगा तो मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगा वरना ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट मूव की तरफ। जब वायर्स आप आगे ले आते हैं तो आप अपने ये शॉकर वाला नट, ये मैं क्लासिक में लगा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास क्लासिक ही अवेलेबल थी बाइक, आप इसको किसी भी बाइक में लगा सकते हैं। थंडरबर्ड में लगाइए, आप इसको स्प्लेंडर में लगाइए, आप इसको एवेंजर में लगाइए, कोई सी भी ऐसी बाइक हो जिसके अंदर दो शॉकर हैं या फिर दो नट बोल्ट हैं इधर उधर, तो वो उसमें आप लगा सकते हैं। इसके साथ जो पत्ती मिलती है उसको शॉकर में ऐसे टाइट कर दीजिए अच्छे से, कहीं का पेंट नहीं हटना चाहिए, तो इसलिए बहुत सावधानी के साथ में वाशर वाशर लगाने के बाद इसको पत्ती को ऐसे करके हमें टाइट करना है। और ये जो नट है शॉकर वाला, इसको टाइट करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, जितना टाइट हो सके फुल जान लगा के उतना टाइट करना और हिला हिला के बार बार देख लेना कि कोई चीज़ लूज तो नहीं रह गई है। अब जो आप टेन लाइट से यहाँ तक की वायरिंग लेके आए हैं उसके अंदर ये लगा दीजिए, बस ऐसे ही है, इसको ऐसे करके डालना है। ये मेटल का पीस है इसलिए इसको अच्छे से टाइट कर सकते हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये टूट गया है कुछ भी है। ये प्लास्टिक का तो है नहीं, ये मेटल का है। बहुत ही जल्दी मैं हर एक बाइक के लिए, थंडरबर्ड के लिए, स्टैंडर्ड के लिए एक टाइप के इंडिकेटर्स बनवा रहा हूँ जो कि मेटल के हैं। फिर जब आप इसको यहाँ पर टाइट कर लेते हैं तो हमें क्या करना है, हमें सेम प्रोसेस ही दोहराना है दूसरी तरफ। यहाँ पे भी हम इसको लगाएंगे और बस वही वाला प्रोसेस है, खोलो काटो घोलो और लगा लो। ठीक है, अब जो मैं बोल रहा था कि मेटल के इंडिकेटर्स, तो वो हर एक बाइक के लिए बनाएंगे हम लोग, वो मेटल के होंगे टोटल। आगे जो होगा वो सील्ड रबड़ के साथ में एक वैक्यूम सील्ड वाटरप्रूफ एक सील होगी। वो प्रोडक्ट ऐसा होगा कि आपने उसको एक बार ही लगा लिया, अब ज़िंदगी भर की छुट्टी। अब बल्ब ख़राब होगा तो बल्ब चेंज करा लो क्योंकि भाई हर एक चीज़ की लाइफ होती है, लेकिन वो कभी ना तो घिसेगा ना ही टूटेगा ना ही ख़राब होगा क्योंकि मेटल का होगा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ। थोड़ा बहुत उसमें खर्चा ज़्यादा आएगा, जो शौकीन लोग हैं वो उसको ज़रूर लगवाएंगे। तो मैंने यही सोच के कि भाई जब पूरी गाड़ी हम मेटल की चला रहे हैं तो फिर हम इंडिकेटर्स भी, ये लाइट्स वाइट्स भी, ये सब कुछ अच्छे एल्युमिनियम से बना होना चाहिए जो कि एरोप्लेन ग्रेड एल्युमिनियम होता है, बहुत ही फाइन क्वालिटी का। तो अगर ऐसा होता है कि हमें एल्युमिनियम के इंडिकेटर्स मिलते हैं तो कितना मज़ा आएगा सोचो, कितना प्रीमियम लुक एंड कितना प्रीमियम फील हो जाएगा उस चीज़ का। तो देखो ये लगने के बाद कुछ इस टाइप का दिखेगा, आउटस्टैंडिंग है। अगर ये किसी को अपनी बाइक में लगाना हो तो kenganian.in से आप ले सकते हैं, ये अवेलेबल है। और ये वीडियो आप तब देख रहे हैं जब ये मैंने अपनी बाइक में 10 से 12 दिन तक या 15 दिन तक चला लिए होंगे, उसके बाद में ये मैं वीडियो पब्लिश करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है किंग इंडियन। और किंग इंडियन करके हमारी एक वेबसाइट भी है जहाँ पे कि आप अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट ले सकते हैं जो आपको मार्केट में रेयरली या फिर हो सकता है कि कभी कुछ मिले ही ना, जैसे कि डिजिटल मीटर, वो आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा, या फिर जिससे भी मिल रहा होगा वो हमसे ही लेके आपको
दे रहा होगा। ये लाइट लगाने के बाद पिछला हिस्सा इतना चौड़ा हो जाता है, खूबसूरत लगता है, इतना मजा आता है देखने में। मैं सोच रहा हूँ कि पिछले लाइट का क्या करूँ, क्योंकि बहुत सारी लाल लाल लाइट हो गई, तो मैं उनको कुछ ना कुछ करके हटाऊंगा। तो चलो, कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन, बाय बाय।